जयपुर 26 सितंबर 2018 देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका महान गुरमत समागम में इस बार 32 वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो 28 से 30 सितंबर को गुरुद्वारा साहिब हेवा की मोरी में आयोजित होगा। यह जानकारी देते हुए समागम के आयोजक सरदार ठाकुर सिंह जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में बताया कि इस बार समागम जुगा जुगा अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को समर्पित होगा। अंत्य समागम गुरु के उद्देश्य व गुरुवाणी को देश के विभिन्न प्रांतों से आए विश्व स्तरीय एवं उच्च कोटि के रागी जत्थों, लखन व्याख्यानकर्ताओं एवं सिख पंथ के जत्थेदारों की उपस्थिति में वर्णित किया जाएगा। पिछले वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। पिछले 32 सालों से इस समागम ने सफलता की ऊंची से ऊंची ऊंचाइयों को छुआ है और इस समागम को सफल बनाने के लिए आप सभी पत्रकार भाइयों का सहयोग सराहनीय है और मैं आप सभी के इस सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि ये सहयोग इसी तरह बना रहे ताकि 33वां महान गुरमत समागम एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सके। बाबा निहाल सिंह जी और बाबा ठाकुर सिंह जी ने एक छोटे से पैमाने के करीब पिछले 33 वर्षों में इस समागम में कड़ी दर कड़ी जुड़ जुड़ के आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है और मैं सोचता हूँ कि 33वां महान गुरमत समागम अपने आप में एक इतिहास रचेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। पिछले 32 वर्षों में अपनी एक अलग पहचान बना चुका महान गुरमत समागम इस बार अपने 33वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और हम सभी आशा करते हैं कि 33वां महान गुरमत समागम एक इतिहास रचने जाएगा। इस बार के समागम में देश विदेश से रागी जत्थे, प्रचारक व गुरुजन पधार हैं। इस बार के समागम सिंह साहब यानी गुरुभजन सिंह जी से श्री दरबार साहब श्री अमृतसर के सानिध्य में किया जा रहा है। ये समागम जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को समर्पित होगा, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना वर्णन किया जाए उतना कम। इस समागम के लिए गुरुद्वारा ईदा की मोरी से सटे खंडेलवाल स्कूल में एसी डोम तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए विशेष सजावट व विशेष रोशनी द्वारा उसको प्रकाशवान किया जाएगा। इस समागम के लिए श्री गुरु गोविंद साहिब की सजावट के लिए स्पेशल रुमाला साहब श्री अमृतसर साहब के कारीगरों द्वारा तैयार करवाया जा रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि श्री अमृतसर साहब श्री दरबार साहब में एक स्वर्ण रूपी पालकी के द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को विराजमान करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसी तरह दिनांक 30 सितंबर को शाम को 5 बजे एक स्वर्ण रूपी पालकी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसके साथ भव्य आतिशबाजी और भव्य पुष्प वर्षा का भी आयोजन किया जा रहा है।